देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के पद से विनोद राय आज रिटायर हो गए। सरकार ने उनकी जगह रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को नया सीएजी नियुक्त किया है। सीएजी के तौर पर विनोद राय के कार्यकाल के दौरान ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और कोयला आवंटन घोटाले समेत कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ। सीएजी के खुलासों से परेशान यूपीए सरकार के मंत्रियों ने सीएजी पर लगातार हमले किए, लेकिन विनोद राय इन हमलों के आगे कभी नहीं झुके। विनोद राय का ये बयान काफी मशहूर हुआ कि सीएजी सरकार की चीयर लीडर नहीं है। विनोद राय की जगह नियुक्त किए गए शशिकांत शर्मा को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अब तक रक्षा सचिव रहे शशिकांत शर्मा को सीएजी बनाए जाने पर एतराज जताया है।